विवेकानंद कहते हैं कि उन लोगों से दूर रहना चाहिए जिन्हें अपने ज्ञान पे घमंड हो। इस दुनिया में और भी कई तरह के लोग हैं जिनसे आपको हमेशा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देते। इस कारण हम आज ऐसे चार लोगों के बारे में बताएंगे जो आपको कभी भी खुश नहीं देखना चाहते। तो दोस्तों, आगे जानने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए किसी बहुमूल्य रत्न से कम नहीं है। एक समय दो शिष्यों ने कई वर्षों तक साथ रहकर ज्ञान को अर्जित किया, और जब उन दोनों की शिक्षा पूरी हो गई तो वह दोनों अपने अपने गाँव चले गए। उस समय आने जाने का कोई साधन नहीं था, इस कारण एक जगह से दूसरे जगह जाने में आदमी को कई दिन लग जाते थे। उस समय के लोग दिन भर यात्रा करते और रात में विश्राम करते थे। एक बार वह दोनों एक गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के यहाँ रहने की सोची, और उस आदमी ने भी इन दोनों को रहने की समुचित व्यवस्था कर दी और अपने सेवकों से कहा कि दोनों व्यक्तियों के लिए भोजन लाओ, और स्वयं उनके पास जाकर बैठ गया और ज्ञान की बातें करने लगा। वह धनवान मनुष्य बहुत ज्ञानी था। वह दोनों को देखकर समझ गया कि इन दोनों के अंदर ज्ञान का बहुत घमंड है और ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। वे उन दोनों से अलग अलग बात करता है और उनके बारे में जानकारी हासिल करता है, और जो उसे जवाब मिले उसे सुनकर वह धनवान व्यक्ति बहुत ही सोच में पड़ गया। ये दोनों बहुत अच्छी जगह से शिक्षा ग्रहण करके आए हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का सम्मान करना बिल्कुल भी नहीं जानते। तभी भोजन करने का वक्त आ गया। अब उस धनवान व्यक्ति ने दोनों को भोजन करने के लिए बुलाया और एक के थाली में भूसा और एक के थाली में चारा डाल दिया। ये देखकर दोनों ही शिष्य बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उस धनवान व्यक्ति से बोलने लगे कि क्या हम पशु हैं जो ये भोजन करेंगे? अपने धन के वशीभूत होकर आप हमारा अपमान कर रहे हैं। ये तो माता लक्ष्मी के द्वारा माता सरस्वती का अपमान हो रहा है। ये सुनकर उस धनवान व्यक्ति ने बोला, एक के थाली में भूसा और दूसरे के थाली में चारा परोसा गया, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। जब मैंने एक शिष्य से दूसरे के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये तो बैल है। वहीं दूसरे से जब मैंने पहले के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये तो गधा है। आप दोनों ने एक दूसरे को बैल और गधा बताया था, तो मैं उसी को ध्यान में रखकर उसके खाने योग्य भोजन की व्यवस्था कर दिया और एक थाली में भूसा और एक थाली में चारा परोस दिया। ये सुनते ही उन दोनों शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्हें अपने गलती का एहसास हो गया। अब वह दोनों शिष्य एक दूसरे से क्षमा मांगने लगे। विवेकानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति आप में कमी होने के बाद भी आपकी तारीफ करने से पीछे नहीं हटता, ऐसे मनुष्य से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए। एक मूर्ति बनाने वाला था, उसका एक पुत्र था। उसने अपने पुत्र को मूर्ति बनाने का सिखाने का विचार किया और वह युवक मूर्तिकार बड़ा होकर मूर्ति बनाना सीख गया और एक बड़ा मूर्तिकार बन गया। अब बाप और बेटा दोनों ही मूर्तियां बाजार में जाकर बेचने लगे। बाप के मूर्ति की कीमत 5 रुपया मिलती तो बेटे के मूर्ति की कीमत 25 पैसे ही मिलती थी। शाम को जब वह दोनों घर आते तो वह मूर्तिकार अपने बेटे के पास जाकर बैठ जाता और उससे मूर्तियों में हुई कमी के बारे में उसे बताता था, और यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। उसका पुत्र भी बहुत होनहार था, उसने भी अपने कला में खूब परिवर्तन किया। कुछ दिन बीतने के बाद उस लड़के की मूर्तियां भी बहुमूल्य कीमतों पर बिकने लगी। उसके बाद भी मूर्तिकार हर रोज अपने बेटे को मूर्ति में कुछ ना कुछ कमियों को देखकर उसे समझाने का प्रयास करते रहता था। अब पुत्र ने भी अपने कला पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और उसकी कला और ज्यादा निखर गई। अब उसके बेटे की मूर्तियां 10 रुपये में बिकने लगी, लेकिन उस मूर्तिकार ने अपने बेटे को कला में सुधारने का जो क्रम जारी रखा था वो अभी भी जारी था उसका। वह अब भी अपने पुत्र को बताता कि मूर्तियां में क्या कमी रह गई है। तब एक दिन पुत्र क्रोधित होकर बोला कि आप मेरी कला में दोष निकालना बंद ही नहीं करते। मेरी मूर्ति तो आपसे भी अब अच्छी बनती है। अब मुझे मूर्तियों के 10 रुपये तक मिलने लगे हैं, लेकिन आपकी मूर्तियों की कीमत अब भी 2 रुपये ही है।
तब उस मूर्तिकार ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि पुत्र, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे अपनी कला पे बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया था और फिर मैंने अपनी कला में सुधार करना छोड़ दिया, जिसके कारण मेरी प्रगति ही रुक गई और 2 रुपये से अधिक की मूर्तियां मैं कभी भी नहीं बना सका। इसीलिए हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए, ताकि हम एक सुंदर मूर्ति बनाने वाले श्रेष्ठ कलाकारों की श्रेणी में पहुंच सकें। अगर मैं हर रोज तुम्हारी मूर्तियों की तारीफ करता तो तुम्हारे मूर्ति का भी मूल्य आज 4 आने से ज़्यादा नहीं रहता। विवेकानंद बोलते हैं, जो व्यक्ति आपकी काम की बात सुनने में रुचि ना रखे, ऐसे व्यक्ति से दूर ही हो जाइए। एक दिन एक राजा अपने दरबार में न्याय कर रहा था। वहाँ 2 फरियादी आए हुए थे। राजा ने दोनों से अपनी अपनी बात कहने को कहा। दोनों ने ही बारी बारी से अपनी अपनी बात राजा को सुनाई। जब पहले व्यक्ति ने अपनी बात सुनाई, उस समय राजा चाहब अपने बच्चे को खिलाने में व्यस्त थे, जिसके कारण उसकी बात को वह सही रूप से नहीं सुन पाए। जबकि दूसरे व्यक्ति ने जब राजा साहब को अपनी बात सुनाई तो राजा साहब ने उसकी बात पूरी ध्यान से सुनी और इस कारण राजा ने अपना फैसला दूसरे फरियादी के हक में सुना दिया। और ये सुनकर मौजूद राज्यसभा में सभी लोग स्तब्ध हो गए, क्योंकि पहले आदमी ने जो बात बताई थी उसे ही सुनकर सत्य लग रहा था। अब राजा के सामने सच बोलने की कौन हिम्मत करे। ऐसे ही करते करते 7 दिन बीत गए। अब बिना किसी कारण के वह पहला फरियादी अपनी सजा भुगत रहा था और जब इस बारे में उस व्यक्ति के पुत्र को पता चला तो उसने राजा साहब से मिलने का विचार किया और अगले दिन राजदरबार में आता है और कहता है, हे राजा साहब, मैं आपसे न्याय मांगने आया हूँ। तब राजा साहब ने कहा, कैसा न्याय? तब उस युवक ने कहा कि एक राज है जहाँ पर मेरे पिताजी फरियाद लेकर गए थे और जब उन्होंने अपना बात सुनाया तो राजा का ध्यान उस समय कहीं और था, जिसके कारण उन्होंने मेरे पिता की बात को नहीं सुन पाए और जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा था तो उसके पक्ष को राजा साहब ने पूरा सुना और उसी की तरफ फैसला सुना दिया। हे राजा साहब, अब आप बताइए, क्या ये फैसला सही है? तब राजा साहब ने कहा, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसे हो जाने पर फरियादी को फिर से राजा साहब के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि बिना दोष के दंड सहना बिल्कुल ही पाप है। राजा कोई भगवान थोड़े ही ना है, अनजाने में उससे भी गलती हो सकती है, क्योंकि किसी भी राजा के न्याय पर पूरे राज की प्रतिष्ठा निर्भर करती है। ये बात सुनकर राज्यसभा में मौजूद सब लोगों का सिर झुक गया। जब राजा साहब की बात पूरी हो गई तो उस फरियादी के बेटे ने कहा कि हे राजन, वह राजा कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। आपने ही मेरे पिता को सजा दी है। जब वह अपना पक्ष रख रहे थे तब आप अपने बच्चे के साथ खेलने में व्यस्त थे, इस कारण आपने मेरे पिता की पूरी बात नहीं सुनी और आपके पास किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी और इसके फल स्वरूप पिछले 7 दिनों से मेरे पिता बिना किसी दोष के सजा भुगत रहे हैं। जब राजा ने ये बात सुनी तो अपना न्याय बदला और दरबार में रहने वाले अपने दरबारियों को डांटा और इसके साथ ही उस राजा ने सत्य बोलने वाले उस फरियादी के पुत्र का भी अभिवादन किया। उस युवक के कारण ही आज लड़का और उस दोषी को बहुत बड़ा सबक मिला। इसके पुरस्कार के स्वरूप में महत्वपूर्ण नौकरी दे दी। विवेकानंद कहते हैं, जो सब कुछ करने के बाद भी अगर लोग आपसे संतुष्ट ना हो तो ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए। एक दिन रात के समय जब कोई दुकानदार अपना दुकान बंद कर रहा था तभी वहां पर एक कुत्ता आता है। उसके मुंह में एक थैला था जिसमें सामान की लिस्ट और कुछ पैसे थे। उस दुकानदार ने लिस्ट देखकर थैले में सामान भरा और उस कुत्ते को दे दिया। कुत्ता वह थैला उठाता है और वहां से चला जाता है। ये देखकर वह दुकानदार बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और वह कुत्ता का पीछे करने लगा ताकि वह देख पाए कि इतना समझदार कुत्ते का आखिर मालिक कौन है। कुत्ता बस का इंतजार करने लगा और जब बस आई तब वह कुत्ता उस बस पर चढ़ गया और पैसा देने के लिए उस कंडक्टर को उस कुत्ते ने जब गर्दन आगे की तो कंडक्टर ने देखा कि उसमें उसका पता और पैसे हैं
और जब उस कुत्ते का स्टॉप आता है तो कुत्ता अपना पूंछ हिलाने लगता है और बॉस के रुकने पर वह उतर के चल देता है। वे दुकानदार भी उस कुत्ते के पीछे ही था। जब वह कुत्ता घर पहुंचा तो वह दरवाजा 3-4 बार खटखटाया अपने पैरों से। अंदर से उसका मालिक बाहर आया और डंडे से उसे मारने लगा। वह कुत्ता चुपचाप मार खाता रहा। अब उस दुकानदार से रहा नहीं गया, उसने उस मालिक से इसका कारण पूछा। तब मालिक बोला, तुम्हें नहीं पता, इसने मेरी नींद खराब कर दी है। ये चाबी अपने साथ नहीं लेके जा सकता था। हमारे जीवन की ये भी एक सच्चाई है, आपसे लोगों की अपेक्षाएं कभी कम नहीं होती। जहाँ पर आप चूक जाएंगे वहीं पर लोग आपकी सारी कमियां निकाल देंगे और आपकी सारी अच्छाइयों को भूल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।